झांसी बुंदेलखंड में फैलते हुए कोरोना का कहर। कोरोना पॉजिटिव हुए 5 के नमूने हुए झांसी जनपद में। वही लॉकडाउन को देखा जाए तो झांसी जिलाधिकारी महोदय पूरी व्यवस्था का जायजा बराबर ले रहे हैं। वही पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, पूरे क्षेत्र को बराबर सैनिटाइज किया जा रहा है। वही झांसी पुलिस सख्ती से लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का आग्रह कर रही है। राशन सब्जी एवं सूखी सामग्री की पूरी तरह की व्यवस्था की जा चुकी है ताकि किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करने पड़े। वही उर्छा गेट, कसाई मंडी, सैय गेट, काली बॉडी, तलैया मोहल्ला, मिनवा चौराहा, शांति भवन, फल मंडी, सब्जी मंडी, मेडिकल रोड तक बैरिकेड लगाकर पूरे एरिया को लॉक कर दिया गया है ताकि और कोई व्यक्ति इस महामारी की चपेट में न जाए। एक महीने बाद तक एक भी कोविड-19 से ग्रसित मरीज न मिलने से जनपद के निवासियों में भय नाम का वाक्य नहीं था, लेकिन सोमवार को सुबह सुबह जब 59 वर्षीय कमला देवी वर्मा की जांच पॉजिटिव आने से लोगों में दहशत का माहौल इस कदर देखा गया था कि लोगों ने अपनी गलियों तक बंद कर ली थी और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। प्रशासन ने भी उर्छा गेट से लगे कई एरियों में नाकाबंदी कर चौकसी बढ़ा दी थी और महिला को आइसोलेट करते हुए उनके परिजनों को क्वारंटाइन कर जांच के लिए नमूने भेजे गए थे, जिसमें आज बुधवार को जांच की रिपोर्ट में महिला कोविड से ग्रसित के परिजनों में कमला वर्मा के बेटे और जेठ भी कोरोना से ग्रसित पाए गए। इन दोनों का इलाज भी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मंगलवार को झांसी की कोविड लैब में टोटल 119 सैंपल्स निगेटिव निकले थे, जिसमें बांदा से 38, जालौन से 28, ललितपुर से 26, झांसी पैरामेडिकल में क्वारंटाइन कैंप में से 26 और झांसी मेडिकल कॉलेज से 1 के नमूने लिए गए थे, जो सारे निगेटिव पाए गए। दिन बुधवार 29 अप्रैल को टोटल 44 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिसमें 42 निगेटिव पाए गए, जिसमें 4 पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर बुधवार तक की स्थिति में झांसी में टोटल 5 पॉजिटिव कोरोना से ग्रसित मरीज हो गए हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये ओरछा गेट अंदर। ओरछा गेट अंदर सुल्तानिया मस्जिद के पास है, पीछे घर है हमारा। अच्छा, घर है। परेशानी बहुत है हमारे घर में। क्या परेशानी है? ना खाने को है, ना पैसे है हमारे पास। बड़ा वाला भाई है, वो चल ही नहीं पाता, विकलांग है। चाचा है 80 साल के, वो बीमार है, माँ सुनती नहीं है। ये बुढ़िया है हमारी, इनके बिस्कुट तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उसको 5 रुपये का बिस्कुट दिला दें। अच्छा, बच्ची के 5 रुपये तक नहीं है कि मतलब बच्ची को पैसे बिस्कुट दें? हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतने परेशान हैं। बच्ची को आप आलू खिला रहे हैं? हाँ, ये उबाल के? हाँ, ये हम आलू खिला रहे हैं, आलू के सिवा क्या खिला सकते। बिस्कुट के लिए पैसे, ये आलू भी हमें मोहल्ले वाले से मांग के लाए हैं, तो हमने ये उबाल के दिया है आलू। और बड़ा वाला भाई हमारा 25 साल का है, उसका खून पानी हो जाता है, उसे बीमारी हो गई। हाँ, खून पानी हो जाता है। ये 25 साल का लगता 10 साल का है। परेशानी परेशानी है, माँ हमारी सुनती नहीं है। कम सुनाई देता हूँ।